गाइस, हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये हाइपर कॉन्जुगेशन है। ओके, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमने एनसीईआरटी बेस्ड वीडियो बनाया। ओके, तो देखिए ये क्या होता है ना, बेसिकली ये देखिए सिग्मा बॉन्ड्स में होता है और ये स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता है। इसकी वजह से जो कंपाउंड है, जिस भी कंपाउंड में ये बॉन्ड्स होंगे, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स बन पाएंगे ना, वो बहुत स्टेबल हो जाएगा। तो देखिए दो चीज़ में होता है। अगर सोचिए कहीं कार्बोकटायन है, सोचिए कार्बोकटायन बना हुआ है और उसके बगल में अल्फा हाइड्रोजन। अब अल्फा हाइड्रोजन आपको देखना आना चाहिए। ओके, अब जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए, तो यहाँ कार्बोकटायन है तो इसके बगल में एक sp3 कार्बन होना चाहिए। देखिए sp3 कार्बन है ना, देखिए तीनों हाइड्रोजन लगा है। ओके, तो इस कार्बन पे जो बॉन्ड है उसका कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए ये sp3, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, मतलब पॉजिटिव के बगल वाला अल्फा कार्बन है, ये sp3 भी है और इस पर हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन है ना, जो sp3 कार्बन पे होते हैं, इसको अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। देखिए यहाँ 1, 2, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, उतना ज़्यादा स्टेबल हो जाता है स्ट्रक्चर। क्यों? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। अब आप देख सकते हैं कि इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब देखिए, ये सोचिए ये है, ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है sp3 कार्बन पे, तो ये बॉन्ड देखिए इधर हट गया। आप देख सकते हैं ये इधर हटा, हमने एरो से नहीं दिखाया, इधर हटा। तो ये क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से तो तीन है हमारे पास। जैसे ये बना सकता है स्ट्रक्चर, वैसे ये भी बना सकता है, ये भी बना सकता है, तो तीन स्ट्रक्चर बनेगा। तो इसका जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है, देखिए इसका एक अल्फा हाइड्रोजन, 2, 3, तो इसका 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेगा। और जितना हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनता है, वो हमारा कंपाउंड उतना स्टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए दो केस में मेनली हम देखते हैं। अगर एम्प्टी 2p ऑर्बिटल, मतलब p ऑर्बिटल हो, जैसे कार्बन, अगर सोचिए कार्बोकटायन है तो ऑब्वियसली ये तो वैकेंट है ना, इसका एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ऑब्वियसली बगल वाले में से सोचिए, बगल वाले में जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, मतलब सोचिए कि सिग्मा बॉन्ड एक्चुअली मूव होता है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये आप देख सकते हैं यहाँ बनाया हुआ है, तो ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये इधर मूव कर रहा है। आप देखिए ये दिखा रहा है ना कि खाली वाला वैकेंट है इस पी ऑर्बिटल C+ में, मतलब पॉजिटिव चार्ज में, तो ये इधर क्या होता है, डीलोकलाइज होता है। तो वही चीज़ तो ये दिखा रहा है ना, देखिए ये इधर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव, हमने एरो से दिखाया इधर, ऐसे तीन स्ट्रक्चर बना। ये एक और केस में होता है, अगर सोचिए हमारा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड जैसे डबल बॉन्ड लगा हुआ, ठीक है, उस पर भी हम अल्फा कार्बन देखेंगे, देखिए अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे एक्चुअली। ये देखिए ये हमारा sp2 है, इसके बगल में एक sp3 कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पे तो कोई sp3 कार्बन नहीं है, इधर देखिए sp3 कार्बन है ना, sp3 कार्बन है, ये क्या है, सैचुरेटेड ऑब्वियसली ना, सारे बॉन्ड्स लगे हुए हैं ऐसे करके ना, डबल बॉन्ड तो नहीं है इसके साथ। तो इसमें देखिए कितना अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा कार्बन है जस्ट इस बॉन्ड के बगल में, 1, 2, 3 अल्फा हाइड्रोजन में भी है, वही बात हो रही है। वहाँ पे देखिए वेकेंट पी ऑर्बिटल था और यहाँ अनसैचुरेशन है, तो दोनों केस में हाइपर कॉन्जुगेशन लगता है। तो हमें मेन क्या होता है ना, अगर सोचिए इसमें भी आप अगर देख सकते हैं, ये बॉन्ड भी ऐसे इधर गया, ये बॉन्ड भी हट गया, ऐसे तीन स्ट्रक्चर बन रहा है, वो स्ट्रक्चर उसी की तरह है। ठीक है, बस दोनों केस में होता है, ये पॉजिटिव वाले केस में भी होता है और हमारा डबल बॉन्ड अगर अनसैचुरेशन रहे तो उस केस में भी होता है। तो ये वो स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन है। आपको क्या होता है ना, आपको 3-4 स्ट्रक्चर दे देंगे एग्जाम में और पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है, तो आप देखेंगे ना कि जिसमें भी सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जैसे हमने ये बनाया है, तो ये तो आप देख रहे हैं डबल बॉन्ड है, तो ये अनसैचुरेशन है, इसके बगल में sp3 कार्बन, देखिए अल्फा कार्बन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर देखिए टोटल कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, यहाँ देखिए इस तरफ भी है, इस बार ये भी तो अल्फा है, 4, 5, 6। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होता है ना, उतना ज़्यादा क्या होता है, वो कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। और अब आप ये देखिए कि जैसे हमने बताया कि देखिए अनसैचुरेशन वाला केस ये था, ये वाला क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल वाला केस है। वेकेंट पी ऑर्बिटल में वो सी सिग्मा बॉन्ड, मतलब सी एच का जो सिग्मा बॉन्ड है, ये बीच में सिग्मा बॉन्ड है ना, ये इधर डोनेट होगा पैरेलली, ऐसे देखिए। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है, ये पॉजिटिव वाला है, इसके बगल में ये अल्फा कार्बन, तो इधर अल्फा हाइड्रोजन 3, 3, 6, 3, 9, यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। यहाँ आप काउंट कर, इसको अगर एक्सपैंड करके हम दिखाएं आपको, ये सी एच है, यहाँ सी एच थ्री है, यहाँ सी एच थ्री है, यहाँ आपको कितना दिख रहा है, ये पॉजिटिव वाला, इसके बगल में अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन मतलब sp3 वाला, 3, 3, 6, तो 6 अल्फा हाइड्रोजन फिर हुआ, इधर देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन, और उसके बाद कितना, 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना स्टेबल और जितना कम उतना अनस्टेबल। ओके, थैंक यू।